लहसुन और टमाटर डालकर काबुली चना को गला लें और वो इतना गला होना चाहिए कि अपने ही स्किन में बंधा हो लेकिन बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए, बिल्कुल इस तरह का। अब इसे तैयार मसाले में डाल दें। फाइनली इसमें पांच मसाले और डाल लें, यह है क्रस्ट अजवाइन, अमचूर पाउडर, नटमेग, सेंधा नमक और एक चुटकी होममेड गरम मसाला। फाइनली इसके ऊपर नींबू निचोड़ दें और इसे धनिया की पत्ती से सजा लें। काबुली चने के कुछ दानों को दबाकर मैश कर लें। इससे करी का टेक्सचर गाढ़ा हो जाता है और क्रीमी हो जाता है। फाइनली इस पर मक्खन के क्यूब्स डाल दें और धनिया की पत्ती से सजा लें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और इस रेसिपी को आपने एंजॉय किया हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।